वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है उसमें 19 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट या और भी कहीं जो शॉर्टिंग होती है वोल्टेज की, वो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करेंगे किस सेक्शन में शॉर्टिंग है। ये हम आपको डीसी मशीन का भी यहाँ पे यूज बताएंगे और मल्टीमीटर से प्रैक्टिकली ये वीडियो में आपको दिखाएंगे यहाँ पे किस सेक्शन में कितना वोल्टेज आता है और कैसे हम फाइंड करेंगे कि एक्जेक्टली यहाँ पे शॉर्टिंग होती है किस सेक्शन में। ठीक है, तो आगे इधर स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे। तो ये मशीन को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 19 वोल्ट पे। थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहेगा, 10 वोल्ट है। और ये जो चार्जर है मैंने केबल से कनेक्ट कर रखे हैं, तो पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस पे चार्जर पे वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना है और यहाँ पे इसको चेक कर लेना, देख लेना कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहीं पे 18.98 और 19 वोल्ट के आसपास आ रहा है जी। अब क्या है कि जैसे हम इस पे लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 00 की रीडिंग अगर हो जाती है यहाँ पे मशीन पे, जैसे कि मान लो अभी हम आपको इसको अलग कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं दोनों, पहले हम शॉर्ट तार जो है शॉर्ट करा के दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें दिखाई देगा 19 वोल्ट जो है शॉर्ट है। ये रेड लाइट जलेगी और एम्पियर जो है वो यहाँ पे फुल दिखाने लगेगा। हाँ, और ये यहाँ पे जो है वोल्टेज नहीं दिखाई देगा, ऊपर वाले वोल्टेज, ऐसी इसमें प्रॉब्लम आएगी, मशीन बताएगी कट कट। ठीक है, एक बार देखते तो बताते हैं ऐसा आएगा अगर मोबाइल इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट जो है शॉर्ट है 19 वोल्ट का। तो चलिए इस पर मदरबोर्ड पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो चार्जर लगाया, मल्टीमीटर लिया हमने, ठीक, तो उन्नीस वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही, इसे ये डायोड पे है आ गई सप्लाई, ये मॉस्फेट पे आ रही सप्लाई, ठीक, यहाँ पे सप्लाई आ रही है। इसके ऊपर पलट लेते हैं, इस सेट कर लेते हैं इस मदरबोर्ड को, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं इस जगह पे, कॉइल पे वोल्टेज है, यहाँ पे सेक्शन में रैम सेक्शन पे देख चेक कर रहे हैं, नहीं आ रही यहाँ पे रैम 19 वोल्टेज, ये कोर वोल्ट सेक्शन है, ये यहाँ चेक कर लेते हैं 19 वोल्ट, लैपटॉप पार्ट 19 वोल्ट देखो यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर भी आ रही है। डिस्प्ले सेक्शन में आते हैं, कॉइल पे चेक कर लेते हैं, 19 वोल्ट आ रही है। अगर यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट अगर जो है 19 वोल्ट का खराब होगा तो जब आप लगाओगे तो यहाँ पे इस तरह की भी प्रॉब्लम आएगी और वो कंपोनेंट बहुत ज्यादा हीट करेगा मोबाइल की तरह, ठीक है, हाँ मोबाइल की तरह 19 वोल्ट मतलब की बहुत ज्यादा होता है, तुरंत ही शॉर्टिंग जो है पता चल जाएगी, कंपोनेंट जल जाएगा, 19 वोल्ट ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो आपको ऑलरेडी तुमको दिख जाएगा। अगर बाय चांस कभी आपको नहीं मिलता है देखने पे कि मतलब ये शॉर्ट कौन है, तो आप क्या कर सकते हो, बजर मोड पे मल्टीमीटर को सेट करके जो हमने कैपेसिटर चेक किए या मॉस्फेट चेक किए तो इनको हम चेक कर सकते हैं। ये बीप करेंगे तो यानी कि आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ये कोई सेक्शन शॉर्ट है, नहीं कर रहे कोई भी, क्योंकि मदरबोर्ड सही है, कॉइल तो बीप करेगी अपने आप, तो बीप करती है लेकिन जेंडी से नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं एक सेकेंड, हाँ नहीं कर शॉर्टिंग है ये दूसरी, ये नहीं कर रही, ठीक, तो ये मतलब कि सही है, बात समझ लो। ऐसे क्या हो, मैंने आपको बताया 3 वोल्ट की शॉर्टिंग, बात समझ लो 3 वोल्ट की शॉर्टिंग क्या है। अब 3 वोल्ट हम आता कहाँ, पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे मदरबोर्ड में एक ही आईसी होती है जो 3 और 5 वोल्ट को कन्वर्ट करती है, उसको 3-5 वोल्ट आईसी भी कहते हैं और पावर आईसी भी कहते हैं। तो चलिए, किसी किसी जो लैपटॉप है उनमें क्या होती है, 2 लगी होती है, 3 वोल्ट के लिए अलग लगा होता है, 5 वोल्ट के लिए अलग होता है। तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि वोल्टेज सेक्शन में कहाँ कहाँ 5 वोल्ट और 3 वोल्ट आता है। तो मोबाइल को लैपटॉप को ऑन कर देते हैं, तो ये फाइन हो गया आज का ऑन। अब क्या करना है, 19 वोल्ट तो पता चल गया, 19 वोल्ट होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कहीं पे 19 वोल्ट की सप्लाई कहीं किसी मदरबोर्ड में कहीं पर भी 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी। 19 वोल्ट शॉर्ट होगा तो जहाँ चार्जिंग जैक लगाते हो वहाँ पर भी 19 वोल्ट नहीं आएगा, तो मान लो अब वो लाइन जीएनडी से बीप करेगी, पावर ही नहीं आएगा इस पर, 19 वोल्ट कहीं मदरबोर्ड में तो यानी कि शॉर्टिंग है। और जहाँ पर 19 वोल्ट का ये कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला रेड वाला वायर यहाँ पे, जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ये बीप करेगा ग्राउंड से लाल तार, तो आप समझ जाओगे कि भाई इसमें जो है शॉर्टिंग है 19 वोल्ट की। 3 वोल्ट कहाँ कहाँ पे आता है, जैसे मैंने बताया 3-5 वोल्ट आईसी पे, 3-5 की जो कॉइल होती है 3-5 वोल्ट वहां पे आते हैं,
पांच वोल्ट और तीन वोल्ट, देख रहे हो? बैटरी पे भी देख लेते हैं आप, तीन वोल्ट, ठीक है। बायोस की पिन नंबर आठ, तीन वोल्टेज, ठीक है। फैन पे चेक कर लेते हैं, फैन के प्लस पॉइंट पे कितना तीन कम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं सीपीयू पे 96, 97, ठीक। इन कॉइलों पे चेक कर लेते हैं 98, रैम पे चेक कर लेते हैं, ठीक। ऐसे ये आ गया, यूएसबी हो गया, और भी कई सारे आते हैं सबको। फैन पे कम कम आ रहा है ना, अभी जब ज़्यादा हिट करेगा तो ज़्यादा आएगा। आईओआईसी पे, आईओआईसी के पास लगे कंपोनेंटों पे चेक करेंगे, तीन वोल्टेज। ऑन ऑफ पे जब चेक करेंगे तीन वोल्टेज, ठीक। यूएसबी पे चेक कर लेते हैं, यूएसबी पे पिन नंबर पाँच वोल्ट यूएसबी पे आ रहा है, दिख रहा है ये। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात, तीन वोल्ट अगर शॉर्ट होगा तो ना तो यहाँ पे आयो पे आएगा, ना ऑन ऑफ पे आएगा, बात समझ रहे हो, ना बायोस की पिन नंबर आठ पे आएगा, ना बैटरी पे आएगा, ठीक है, ना इस क्वाइल पे आएगा। पांच वोल्ट शॉर्ट होगा तो ना तो इस क्वाइल पे वोल्टेज बनेगा, ना यूएसबी पे जो है बनेगा, हाँ ना उसका फैन पे बनेगा पांच वोल्ट, ठीक है, समझ रहे हो। शॉर्टिंग कहाँ कहाँ होने, वोल्टेज आपको लिखा दिए कि भाई वोल्टेज कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है। भाई अभी अगर रैम सेक्शन शॉर्ट है तो रैम पे वोल्टेज नहीं बनेगा, हमें इसी सेक्शन की ट्रेसिंग करनी है, इस सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट शॉर्ट है, वही तो चेक करना है। और कंपोनेंट की हमें अच्छी नॉलेज है, हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो बस शॉर्टिंग का मतलब यही है, ठीक। अब दूसरी चीज बता रहे हैं, डीसी की बात कर रहे हैं, इधर दिखाओ मशीन की तरफ थोड़ा पीछे से। डीसी पे क्या होगा, 19 वोल्ट में मैंने आपको दिखाया किस तरीके से रिएक्ट करेगी मशीन। तीन और पांच वोल्ट जब शॉर्ट होगा तो यहाँ पे जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे अभी रीडिंग क्या 20-22 की रीडिंग यहाँ पे दिखाता है, 27 की दिखा रहा है, ठीक है, सही है, लेकिन उसके अंदर 3-5 वोल्ट बन रहा है। जब यहाँ पे दिखाएगा तो यहाँ पे लगाते ही कम से कम 300, 150 या 100 के ऊपर यहाँ पे रीडिंग दिखाई देगा, यानी कि शॉर्टिंग है। और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तैसे यहाँ पे एक छोटी सी लाइट जो ब्लिंक करेगी, रेड में करेगी। और तीन वोल्ट अगर शॉर्ट है तो जहां से भी, तो ये आईसी शॉर्ट करेगी, अगर आयो शॉर्ट है तो आयो हीट होगी। पांच वोल्ट अगर शॉर्ट है, ठीक है, तो पांच वोल्ट यकीन पास यही मेरा आईसी से ही बनती है, क्योंकि पूरे मदरबोर्ड में यही सप्लाई आती है, तो पांच वोल्ट की आईसी चेक करें, यही तीनों पांच वोल्ट वाली चेक करना रहेगा। ये आप उंगली रख के अब धीरे से चेक करोगे वो हीट होगी, ऐसे नॉर्मली नहीं चेक कर सकते। नॉर्मली आप आईसी जनरल पांच बार आईसी को उंगली रख दोगे तो आईसी शॉर्ट हो जाएगी, नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, किसी भी आईसी पे हाथ नहीं रखना, बस ऐसे रखना कि अगल बगल कंपोनेंट टच ना हो पाए, कहने का मतलब ये हुआ जाके। तो शॉर्टिंग किसी भी सेक्शन, 1.5 वोल्ट सेक्शन की है वोल्टेज नहीं बनेगा, शॉर्ट बताएगा, अब शॉर्टिंग चेक कर सकते हो इसी तरीके से, क्योंकि मैं सारे कंपोनेंट ही तो लगे हैं। अब खराब क्या होता है, कंपोनेंट या आईसी खराब हो या कहीं से लाइन शॉर्ट हो जाती है, ढूंढ सकते हो ऐसे, सिंपल है, कोई कठिन इसमें क्या लगा बताइए आपको। ठीक है भाई, तीन वोल्ट की शॉर्टिंग है, अगर तीन वोल्ट शॉर्ट है तो ऑन ऑफ पे वोल्टेज तीन वोल्ट नहीं आएगा, आयो पे तीन वोल्ट नहीं आएगा, बायोस की पिन नंबर पे तीन वोल्ट नहीं आएगा, तीन वोल्ट बनता वहां नहीं जाएगा, ठीक है। पांच वोल्ट की खराबी है तो फैन पे नहीं वोल्टेज आएगा, यूएसबी पे नहीं आएगा, एचडीएमआई पे नहीं आएगा, कैमरा पे नहीं आएगा, से चेक कर सकते, ठीक है, कहीं भी चेक कर सकते हो, वोल्टेज नहीं आ रहा। वहां की पिन जो है, जिस पिन पे आपको वजह से यूएसबी है, यूएसबी की मैंने क्या बताया था कि जो चार पिने होती है, तो एक नंबर पे क्या होता है, पांच वोल्ट आता है, प्लस होती है कि ये होती है माइनस लास्ट वाली, तो इस पे पांच वोल्ट अगर इसको चेक करोगे तो ये बीप करेगी, बजर मोड पे बीप करेगी, तो मानने की लाइन शॉर्ट है, इस प्लस वाली लाइन पे कहीं ना कहीं से शॉर्टिंग है, तो हमें आपको चेक करके निकालनी रहेगी, बस यही है और कुछ नहीं शॉर्टिंग में, ठीक। 19 वोल्ट, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट तो बिल्कुल सरल है, इनमें कंपोनेंट ही हीट होंगे, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 19 वोल्ट के मान लो लाइन शॉर्ट है, अब एक चीज यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट है, 19 वोल्ट की अगर लाइन शॉर्ट है तो सारे कंपोनेंट 19 वोल्ट के जितने लाइन में लगे होंगे सारे के सारे बीप करेंगे, ठीक। हाँ, अगर मान लो 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है तो इसमें 19 वोल्ट में ये भी लगे हैं, ये भी लगे हैं, ये भी लगे हैं, ये भी, जितने भी 19 वोल्ट के सारे कंपोनेंट शॉर्ट बताएंगे, ठीक है। अब आपको कहीं पर ढूंढना रहेगा तो आपको छोटे छोटे कंपोनेंट जो है एक एक करके बाहर निकाल के चेक कर दे रहे, ठीक है। आपको तो हमको बहुत दिक्कत होगी, दिक्कत होगी तो क्या, तो उसी बात का तो पैसा है, उसी बात का तो रुपया है भाई, जो चीज खराब है उसे बाहर निकाल के आप पकड़ो।
लाइन लगा देखेंगे उसके बाद फिर चिपका ठीक। हाँ और क्या भाई, तो एक सेकंड में निकलता है, एक सेकंड में लगता है, मॉस्फेट चेक करेंगे ये।